दुर्ग शहर के कई वार्डों में इन दिनों पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों की समस्या को लेकर भाजपा ने निगम का घेराव किया था। वहीं दुर्ग महापौर ने इस मामले में पुरानी भाजपा की परिषद द्वारा किए गए भेदभाव का खामियाजा बताया। दुर्ग शहर में इन दिनों भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या को लेकर कुछ वार्डों में लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है, जिसके कारण बीते दिन भाजपा के पार्षदों द्वारा वार्ड की जनता के साथ दुर्ग नगर निगम पहुंचकर आक्रोश जताया गया था। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल और जल प्रभारी संजय कोहले ने शहर की जनता को गुमराह कर रहे भाजपा के लोगों द्वारा अपनी नाकामी छुपाने शेर की राजनीति किए जाने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि शहर के समस्त 60 वार्डों में प्रत्येक घर में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए 153 करोड़ की योजना स्वीकृत कर DPR तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत पानी टंकी पाइपलाइन व नए नल कनेक्शन आदि को शामिल किया गया था, जो भाजपा शासनकाल कार्यकाल के दौरान पूर्व महापौर के मार्गदर्शन में व उस समय के MIC मेंबरों की सहमति से किया गया था, जो प्रारंभ भी हो गया। पूर्व की टंकियों के अलावा 6 नई टंकियां बननी शुरू हुई, किंतु उन टंकियों को भरने के लिए न तो फिल्टर की क्षमता बढ़ाई गई और न ही शिवनाथ नदी इंटकवेल मोटर पंपों की क्षमता बढ़ाई गई। इस वजह से टंकियां भर नहीं पा रही है। ऐसा गंभीर लापरवाही के कारण अनेक वार्डों के नागरिकों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि नदी के मोटरों की क्षमता बढ़ाई जाना अति आवश्यक था, जिसके लिए विधायक अरुण वोरा की मंशा अनुरूप एवं महापौर धीरज बाकलीवाल के अथक प्रयास से DMF के माध्यम से 160 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो गई व 4 मोटर पंपों को बदलने के लिए खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर कंपनी को तत्काल प्रदाय करने का आदेश भी किया जा चुका है। कहने का अर्थ है कि अमृत मिशन योजना को बिना भेदभाव व सही ढंग से गंभीरता पूर्वक विचार करके बनाया जाता तो वर्तमान में समस्या नहीं होती। इनकी गंभीर गलती की सुधार करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किया जा रहा है। 11 MLD, 24 MLD और 42 MLD, यहाँ तीनों जगह से विभिन्न अलग अलग वार्डों में पानी सप्लाई होती है। हमारे दुर्गनगर निगम क्षेत्र से 11 MLD से जहाँ जहाँ पानी सप्लाई होती है, वहाँ किसी भी प्रकार की वार्डों में कोई परेशानी नहीं है। वही हाल 24 MLD में है। 24 MLD में भी जहाँ जहाँ पानी सप्लाई होता है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। 42 MLD के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अमृत मिशन का प्रोजेक्ट बन रहा था, हमारे दुर्गनगर निगम क्षेत्र में 12 टंकियाँ थी, अब वो 18 हो रही है। जब टंकियाँ बढ़ रही है तो पंप में क्षमता भी बढ़ाना चाहिए था भरने की, तो वहाँ पे जो पंप लगा है वो 60 HP का लगा है। उस 60 HP के पंप से 18 टंकियों को भरने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। पूर्व परिषद की गलतियों का परिणाम है जो आज दुर्ग शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। अभी हमारे द्वारा 1,60,00,000 रुपए की स्वीकृति DMF फंड से माननीय विधायक अरुण वोरा जी की अनुशंसा पे 1,60,00,000 रुपए की स्वीकृति हुई है, जिसमें 60 HP के बदले 112 HP का 4 पंप लगाया जा रहा है। जब फुल कैपेसिटी से पंप पानी को खींचेगा तो 18 टंकियां अच्छे से भरेगी। जब टंकियां अच्छे से भरेगी तो पानी सप्लाई अच्छे से होगी। दूसरी गलती पूर्ववर्ती परिषद के द्वारा जो की गई थी, कई एरिया ऐसे हैं जहां पाइपलाइन विस्तारीकरण DPR में शामिल नहीं किया गया था। उन पाइपलाइन विस्तारीकरण को भी लगभग 25-26 किलोमीटर को हम लोगों ने भी शामिल किया है, लगभग 5 करोड़ की स्वीकृति होने को है। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से नल कनेक्शन पिछले DPR में छूट गए थे, उन्होंने मात्र 20,000 या 22,000 कनेक्शन शिफ्टिंग का DPR में जोड़ा था, जिसके चलते अभी दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में 2 पाइपलाइन चल रही, कहीं पुरानी कहीं नहीं। उसकी भी निजात के लिए हमारे द्वारा 5,16,00,000 रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति हो चुकी है। लगभग 15-20 दिन के अंदर वो भी स्वीकृति हो जाएगी, तो पुरानी लाइनों को बंद करके नई लाइनों को चालू किया जाएगा, जिससे अगले 35 वर्षों तक दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। वार्ड में पानी जा रहा है और कुछ अभी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण लो प्रेशर था। हालांकि 4 के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि वार्ड नंबर 4 दिनेश देवांगन जी उस वक्त पार्षद थे, MIC के अध्यक्ष थे, अपना प्रभारी थे, उन्होंने
वहाँ पर गिरधारी नगर टंकी बनना था। उस वक्त उन लोगों ने गिरधारी नगर टंकी को वहाँ पर बनने नहीं दिया और उसको अपने वार्ड को बघेरा की टंकी से जुड़वा दिया। बघेरा की टंकी से जुड़वाने के कारण वहाँ पर वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 6, इस तरफ के पूरे जितने वार्ड हैं उसमें पानी का प्रेशर या पानी नहीं जाता था। तब इन दिनेश देवांगन जी ने उस समय अपना तत्कालिक लाभ देखते हुए उसको बघेरा टंकी से जो अपने वार्ड को जुड़वा लिया। हमारी सरकार आई, हमने जगह चयनित की, वहाँ पर गिरधारी नगर में हमने टंकी बनाई। टंकी बनाने के बाद हमने जितने वहाँ के आसपास के जो वार्ड है वहाँ पे उसमें हम लोग पाइपलाइन बिछा कर वहाँ पानी सप्लाई की। आज दिनेश देवांगन जी ये कहते हैं कि उस अपना गिरधारी नगर टंकी से हमारी टंकी को जोड़ ले। उस वक्त वो तत्कालिक लाभ देखते हुए वहाँ के बघेरा टंकी से जुड़वा लिए थे अपने वार्ड की पाइपलाइनों को, और आज जो भी अपने वार्ड के लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं, न कि क्या बोलते हैं, अगर इस स्थिति ये रहती तो वो अपने वार्ड के लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करने कहते और उस समय वो गिरधारी नगर की टंकी से उसको जोड़ लिया जाता। क्योंकि ये DPR में नहीं है इस कारण अभी उसको जोड़ नहीं पा रहे हम। जिस समय विजयन पटेल जी ने वहाँ पर गिरधारी नगर में टंकी बनाने के लिए कहा था, उस वक्त तत्कालिक महापौर संजीका चंद्राकर जी ने उस टंकी को वहाँ पर न बनाकर उस जगह को चयनित नहीं किया। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने उस टंकी को उसी जगह पर विजयन पटेल जी के कहने पे और आसपास जब विजयन भारद्वाज और राजेश यादव जी इनके सब के कहने पे उस जगह पे हमने टंकी बनाई, और टंकी बनाने के कारण आज उस क्षेत्र में पानी लबालब हो गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट।